हेलो फ्रेंड, मैं विजया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्किल विद विजया में। दोस्तों, बारिश का महीना जितना ही हमारे पौधों को ग्रोथ और हेल्दी बनाता है, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे पौधों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है, उसके साथ ही साथ हमें कुछ प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। दोस्तों, इस समय जैसे एफिड्स माइट्स का प्रकोप ज़्यादा जो है हमारे वातावरण में आ जाता है, जिससे हमारे पौधे इसकी चपेट में भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ एक कॉमन समस्या जो है गुलाब के प्लांट पे होती है, वो है डाइव बैक की समस्या, जो हमारे इस महीने में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, डाइव बैक की समस्या होती क्या है, वो मैं प्रॉब्लम कैसे होती है और इसे कैसे हम अपने प्लांट में पहचाने, तो दोस्तों आप ये देखिए, यानी टिप्स की तरफ से, यानी ऊपर की तरफ से हमारे पौधे की ब्रांच में कालापन आना और सूखते जाना, और नीचे की तरफ ये समस्या अगर इलाज ना किया जाए तो बढ़ती जाए, और हमारा पौधा अगर हम समय पर ना ध्यान दें तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। हमारे ग्राफ्टेड पोर्शन में जब तक ये डाईबैक की समस्या पहुंच जाती है, तो दोस्तों वो हमारा पूरा पेड़ प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये देखिए, हमारे इस ब्रांच में ये ऊपर से समस्या शुरू हुई है और ये नीचे पहुंच रही है। अगर हम इसे यहाँ से इसका समाधान, इसको कट करके या इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी पूरी ये यहाँ ग्राफ्टेड पोर्शन तक ये पहुंच जाएगी, जिससे कि हमारे गुलाब का अगर ये ग्राफ्टेड पोर्शन इफेक्टेड हुआ तो हमारा पूरा पेड़ सूख जाता है। तो दोस्तों, इस समय जो है हमारे गुलाब में ये समस्या देखने को मिल सकती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, और हम अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ये होता है। जैसे एक ब्रांच आप ये देखिए, इस तरह की ब्रांच में ये बहुत ज़्यादा इस समय फैल रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है ये भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, डाईबैक एक ऐसी समस्या है जो फंगस के कारण हमारे गुलाब के प्लांट में होती है। इसका कारण फंगस होता है, एक फंगस का अटैक होता तो हमारे पौधों में डाईबैक की समस्या शुरू हो जाती। तो दोस्तों, कुछ चीज़ों को हमें हमेशा जो है ध्यान रखते रहना है, जिसके कारण जो है हमारा गुलाब का प्लांट हेल्दी रहे और इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस ना करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुलाब का पौधा जो है को धूप बहुत पसंद होती है, ऐसे एरिया में रखना चाहिए जहाँ इसको धूप परमानेंट मिलती रहे, और पानी इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे गुलाब के पौधे में मॉइस्चर मेंटेन रहे, ना ही लो वाटरिंग हो और ना ही ओवर वाटरिंग हो। अगर हमारा मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तब हमारा पेड़ हेल्दी बने रहेगा, क्योंकि एक हेल्दी रूट सिस्टम और हेल्दी पेड़ में समस्याएं बहुत कम आती हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम देखते हैं कि डाईबैक की समस्या को हम कैसे जो है समाप्त करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक इंस्ट्रूमेंट ले लेना है, कटर, जिसकी सहायता से हम इसकी ब्रांचों में जहाँ हमारा इफेक्ट आया है उसको करें। तो सबसे पहले हम अपने जो है अपना जो भी कटर लेंगे इसको पहले साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, यह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सैनिटाइजर, डेटॉल आदि की सहायता से हम अपने जो है किसी कॉटन पे ले लें, इसे लगा लें अच्छी तरह से, और अपने जो है इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छे से साफ़ कर लें, क्योंकि दोस्तों इसके कारण जो है अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा अच्छे से साफ़ नहीं होगा तो उसका इफ़ेक्ट हम जिस ब्रांच पे कट लगाते हैं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमारे पौधों पे ये प्रॉब्लम्स पहुंच जाती हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से जो है इसका ट्रीटमेंट करें और किस प्रकार से इफेक्टेड ब्रांच को हम निकालें, ताकि जो है हमारा पौधा पूरी तरह से अच्छा बना रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसको निकाल लेना, कट कर लेना है। ये मेरा नीचे तक गया था और ये मैंने इसको पूरा कट करके निकाल दिया। अब देखते हैं दोस्तों, किसी और ब्रांच में है तो वहाँ मैं आपको बिल्कुल दिखाती हूँ कि किस तरह से हम उसको का ट्रीटमेंट करें। दोस्तों, जैसे मेरे इस पोर्शन में ये देखिए डाईबैक की समस्या है, तो हम ब्रांच को वहाँ तक कट करते रहते हैं जहाँ हमने ये ब्रांच को कट किया, और अगर ये ब्रांच हमारी पूरी तरीके से साफ़ हो गई, ये हमारे कट वाले पोर्शन में हम ये देखते हैं कि कहीं जो है काला, जब तक हमारी ब्रांच पूरी तरीके से साफ़ हो जाए तब तक हमें कट करते रहना है। मेरे में ये समस्या थोड़ी सी, तो देखो देखिए पूरी तरीके से ये हरी जो है हमारी टहनी दिखने लगी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से अगर ये हमारे नीचे वाला है, नीचे वाली ब्रांच है, इसको हम कट करते हैं
अगर देखिए ये जहाँ तक साफ है, अगर तनिक भी काला दिखता है तो वहाँ तक हमें अपनी ब्रांच को क्या करना है, कट करते रहना है। नहीं तो जब तक अगर थोड़ा भी इसमें फंगस का इफेक्ट रह गया तो वो जो है आगे हमारी ब्रांचों को ख़राब कर देगा, जिसके कारण कि जो है हमारे जो है पेड़ की प्रॉब्लम्स नहीं जाएगी। अब दोस्तों कटे हुए पोर्शन में हमें कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड का जो है पेस्ट लगा देना चाहिए, ताकि जो है हमारा ब्रांच वहाँ से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, क्योंकि फंगस का अटैक है, तो एक मैं जो है अपने पौधों की गुड़ाई कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें फंगिसाइड मिला पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन जड़ों में हेल्दी हो इसलिए जो है, क्योंकि जड़ें हेल्दी होंगी तो हमारा प्लांट भी बहुत अधिक हेल्दी होगा। इसके लिए जो है हम थोड़ी थोड़ी लगभग आधे चम्मच के बराबर हल्दी अपने हर एक गुलाब के प्लांट में डाल देने चाहिए इसमें, स्पेशली बारिश के समय, ताकि जो है हमारा जो है चींटियों आज से भी हमारा जो है पौधा सुरक्षित रह जाए। इसके साथ ही अगर फंगस का अटैक है तो उससे भी हमारे पौधों को सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस मेरे आपको अच्छे लगते हैं इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।